हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एफएमएस में प्लान डेट और टाइमिंग हम कैसे अपडेट करें। अब तक हम क्या कर रहे थे अपने एफएमएस में कि प्लान डेट और टाइमिंग हम फॉर्मूले से लेके आ रहे थे, जिससे क्या होता था कि हमारी एफएमएस की सीट इतनी हैवी हो जाती थी फॉर्मूले की वजह से कि वो चलती ही नहीं थी, बहुत ही स्लो हो जाती थी, तो जिससे हमें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसलिए हमने इसके लिए एक नया कोड इम्प्लीमेंट किया है कि ऑटोमेटिक प्लान डेट और टाइमिंग ये अपडेट कर लेगा। हमें कुछ सेटअप्स करने पड़ेंगे, जो हम कंडीशन फॉर्मूले में देते थे सेम वही कंडीशन हम एक सीट में डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने एफएमएस को फॉर्मूला लेस एफएमएस कैसे बना सकते हैं। तो अभी मैं प्लान टाइम में आ चुका हूँ, ये मेरा एक टैब इसमें मैंने नीचे बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल्स, यानी कि जो भी हम प्लान डेट में अपना कंडीशन लगाते थे फॉर्मूले में, वही सारी चीज़ हम यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीट का नेम डिफाइन करेंगे कि हमें कौन से सीट में ये कंडीशन अप्लीकेबल करना है। तो अभी हमने एफएमएस का दे दिया कि हमारा जो डेटा है वो एफएमएस नाम से टैब में है दिस। अब दूसरा है, यहाँ पे सीट लिंक भी पूछेगा कि आपका सीट लिंक क्या है, तो मैंने सेम इसी सीट का यूआरएल यहाँ पे अपडेट कर दिया है। थर्ड इसमें ऑप्शन है स्टार्ट रो फ्रॉम, हमें कौन से रो से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल जो हम फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला हम अपना यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, तो यानी कि रो नंबर 7। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि रो स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से है, मैंने यहाँ पे 7 दे दिया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ सर दिस येलो। अब अगला इसमें आप देखेंगे तो डेटा पेस्ट का एक है कॉलम कि हमें डेटा कौन से कॉलम में पेस्ट कराना है। एफएमएस पे हम आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं कि पहला जो हमारा प्लान टाइम है वो कौन से कॉलम में है। कॉलम ये क्यू में है, तो क्यू का अगर हम काउंट देखेंगे तो ये हमारा 17 दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमने 17 ऐड कर दिया। अब इसमें आप देखेंगे डेटा पिक कॉलम कि हमें डेटा कौन से कॉलम से पिक करना है। तो जैसा आप सबको पता ही है कि हम एफएमएस बनाते टाइम अपने पहले स्टेप से, अगर पहले स्टेप में अपना प्लान टाइम ऐड कर रहे हैं तो जो भी हमारा डिटेल्स आई है उसका हम टाइम स्टेप ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमारा एक ऑर्डर की डिटेल्स है वो दिस टाइम है, तो ये कॉलम नंबर बी में है। अब इसमें आप देखेंगे कॉलम जो है हमारा बी में है, तो हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 2 ऐड कर दिया। इसके बाद में अब हम क्या करते हैं कि इसमें टेट भी डिफाइन करते हैं कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए क्या टेट हम देने वाले हैं, यानी कि ख़त्म करने का जो टेट होने वाला है कितना टाइम में हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने 5 आवर का दिया हुआ है जो यहाँ पे हमने ऐड किया है दिस R5 में, हमने 5 आवर टाइमिंग ऐड कर दिया है। तो अब हम प्लान टाइम में आएंगे तो यहाँ पे मैंने टेट में R5 कर दिया, यानी कि दिस, तो ये मेरा टेट भी इसमें ऐड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तो इस दो कंडीशन को अभी हम छोड़ते हैं, आगे देखने वाले हैं सर। अगला हमारा है ऑफिस स्टार्ट टाइम क्या है, ऑफिस एंड टाइम क्या है। इस एफएमएस पे जो हमारे डूअर एम्प्लॉई काम करने वाले हैं उनका ऑफिस टाइमिंग क्या रहने वाला है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि 9:30 से 7:30 शाम तक, ये मेरा कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए एक बार मैं कोड को रन करूँगा एंड आपको यहाँ पर डेटा अपडेट करके दिखाऊंगा कि विदाउट फॉर्मूला डेटा यहाँ पे कैसे अपडेट हो रहा है कोड के थ्रू। अभी मैंने कोड रन कर दिया है, जैसे ही मैंने कोड रन किया आप देखेंगे सर यहाँ पे मेरा डेटा अपडेट हो चुका है दिस। अब इसमें आप देखेंगे ये 3 फरवरी 3 बजे का टाइम था एंड यहाँ पर जो प्लान टाइम आया हुआ है 5 फरवरी का 10 बजे का टाइम दिखा रहा है। तो अब इस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने का बढ़िया आसान सा तरीका है कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे 3 फरवरी को हमारा सैटरडे था, तो इसमें एक और हमारा कंडीशन अप्लीकेबल किया गया है कि ये हॉलीडे जो वाली डेट होगी उसे ऑटोमेटिक स्किप कर देगा। यानी कि इसमें आप देखेंगे नीचे हमने एक हॉलीडे नाम से टैब बनाया हुआ है, यहाँ पे जितने भी हमारे संडे पढ़ रहे हैं या जो भी हॉलीडे पढ़ रहे हैं उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इसने क्या किया कि हॉलीडे को स्किप कर दिया है, 4 फरवरी को हमारा संडे है, तो इसने संडे को स्किप करके मंडे का टाइम यहाँ पे 10 बजे का ऐड कर दिया। अब अगर हम इसको काउंट करते हैं 5 आवर, यानी कि 3 बजे का ये टाइम है, अब इसमें अगर 5 आवर हम प्लस करेंगे तो हमारा जो टाइमिंग आएगा वो 8 PM का आएगा, शाम के 8 PM का। लेकिन जो हमारा ऑफिस टाइमिंग है वो तो 7:30 बजे का ही है, तो हम यानी कि शाम को 8 बजे का टाइम दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हमने जो 30 मिनट था वो यहाँ पर ऐड हो गया, यानी कि 5 की डेट में। तो आप देखेंगे 3 था, हॉलीडे स्किप करके इसने 5 की डेट दिखा दी। तो इस तरीके से आप देखेंगे विदाउट फॉर्मूला यहाँ पर मेरा प्लान टाइम आ चुका है। अब इसमें सेकंड कंडीशन हमारा एक है कि एफएमएस मैंने यहाँ पे कर दिया, सीट का लिंक ऐड कर दिया। अब हम कंडीशन कैसे अप्लीकेबल करने वाले हैं यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशन था,
अब अगर हमें कंडीशन अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस यहाँ पे मैंने सीट का नाम दे दिया, सीट का URL स्टार्ट रो फ्रॉम 7, डेटा पेस्ट कॉलम जो रहने वाला है हमारा 22 में रहने वाला है, यानी कि डेटा जो पेस्ट होगा 22 में होगा, डेटा पिक कॉलम जो होगा हमारा ये 18 नंबर कॉलम में हमारा डेटा पिक करेगा 18 नंबर से। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरी डिटेल्स आ चुकी है, इसका एक्चुअल यहाँ पे ऑर्डर डेट और टाइमिंग क्या है, लो एंड चेक डिवाइस अर्चित जी। तो मैं अभी यहाँ पे डमी डेटा करके दिखा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रायोरिटी हमारी लो हाई इसके अकॉर्डिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना अगर नेक्स्ट स्टेप का प्लान डेट डिफाइन करने वाले हैं तो किस तरीके से करेंगे, यानी कि स्टेप टू का। तो यहाँ पर आप देखेंगे लो दिखा रहा है, इसमें हाई दिखा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर लो हो तो उसमें यानी कि 24 घंटे ऐड हो जाए, अगर हाई हो तो उसमें 12 घंटे या 10 घंटे ही ऐड करके हम यहाँ पे प्लान टाइम दिखा दें। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं प्लान टाइम पे आ चुका हूँ, यहाँ पे सीट नेम डिफाइन किया, सीट का URL, रो मैंने ऐड यहाँ पे स्टार्ट रो एंड डेटा पेस्ट जिस किस में करना है 22 नंबर में। यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉलम भी हमारा आ रहा है 22 है कॉलम नंबर, डेटा पिक कॉलम जो है हमारा ये 18 नंबर में है। तो आप देखेंगे यहाँ 18 यानी कि दिस कॉलम आर से हम डेटा पिक करने वाले हैं। अब इसमें आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन जो है ये सबसे पहले हमारा क्या चेक करेगा कि 19 नंबर में दिस 19 नंबर में अगर लो है तो 24 घंटे इसमें ऐड कर देगा, अगर लो है तो 24 घंटे ऐड कर देगा, यानी कि अगर इस वाले कॉलम एस में अगर लो है तो इस एक्चुअल में 24 घंटे ऐड करके स्टेप टू का प्लान टाइम यहाँ पे दिखा देगा। दूसरा मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, अगर हाई है तो इसमें क्या होगा कि 5 घंटे ये प्लस कर देगा, अगर हाई रहेगा तो 5 घंटे, यानी कि अगर यहाँ पे हाई है तो इस एक्चुअल में 5 आवर प्लस करके यहाँ पे दिखा देगा। तो चलिए एक बार मैं अगेन इस कोड को रन करता हूँ एंड आप सबको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे टाइम स्टैम्प हमारा अपडेट होने वाला है। कोड को मैंने रन कर दिया है सर, अभी आप देखेंगे यहाँ पे टाइम स्टैम्प हमारा आ चुका है, यानी कि प्लान टाइम जो हाई था उसमें आप देखेंगे 5 आवर का दिया गया था, तो इसमें हमारा जो ऐड हुआ है वो ऐड हुआ ये 19 जुलाई को कंप्लीट हुआ था 2:38:46 पे, इसमें आप देखेंगे तो ये 20 जुलाई का 9:38:46 पे दिखा रहा है। एक्चुअली मैं 20 सितंबर का आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे 20 का हमारा सैटरडे था तो इसने संडे को स्किप करके फिर ये मंडे की डेट दिखा दिया है, एंड इसमें आप देखेंगे तो ये 19 जुलाई का था हमारा, ये हमारा फ्राइडे का था, इसने 20 जुलाई का 9:38:46 का टाइम दिखा दिया इसमें 5 आवर प्लस करके। अब सर हम थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं, इसमें मैंने थर्ड कंडीशन अप्लीकेबल किया है दिस कि रो नंबर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, डेटा पिक कॉलम 23 कर दिया। अब इसमें मैं जो करने वाला हूँ वो अप्रूव और नॉट अप्रूव का लॉजिक लगाने वाला हूँ, यानी कि अगर इस स्टेप टू में यहाँ पे अप्रूव और नॉट अप्रूव आता है तो ये जो थर्ड स्टेप है ये मेरा स्किप हो जाए, फोर्थ स्टेप पे आ जाए। अगर अप्रूव है तो थर्ड स्टेप स्किप हो जाएगा, फोर्थ स्टेप पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे नॉट अप्रूव है तो थर्ड स्टेप मैंडेटरी रहेगा, फिर उसके बाद वो फोर्थ स्टेप पे जाएगा। तो चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्लान टाइम में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया सेम वही डिटेल्स। यहाँ पर अब आप देखेंगे डेटा पेस्ट कॉलम मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, वो मैं डायरेक्ट कंडीशन में ही अपने यहाँ पे जहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूँगा वहाँ पे ही डिफाइन करने वाला हूँ। तो मैंने सिर्फ डेटा मुझे कहाँ से उठाना है ये मैंने डिफाइन कर दिया, डेटा पिक कॉलम 23। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड कंडीशन में तो मैंने यहाँ पे किया है 25, यानी कि 25 में अगर अप्रूव है तो 32 रो नंबर में एंड AG5 का जो टैट है उसको ये प्लस करके अपडेट कर देगा 32 में। तो चलिए FMS में मैं आ गया दिस। अब अगर यहाँ पे हमारा अप्रूव रहेगा तो ये इसका एक्चुअल उठाएगा एंड यहाँ पे डेटा मेरा कॉलम AF में अपडेट कर देगा, इस कॉलम AF के टैट को प्लस करके, यानी कि दिस AG5 में टैट हमने डिफाइन किया 30 मिनट का उसको प्लस करके यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो चलिए एक बार मैं स्टेप टू में एक्चुअल ले आता हूँ इसका। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर डेटा मेरा आ चुका है, ये हमारा एक्चुअल का डेटा कैसे आ रहा है इसका भी एक मैं सेपरेट वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एक्चुअल का भी हमने अभी कोड किया हुआ है कि कोडिंग से हमारा एक्चुअल का भी डेटा आ जाता है। तो फिर अभी यहाँ पे हमारा स्टेटस आ चुका है, अब इसमें मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है तो वो कंडीशन मैंने प्लान टाइम में यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ। अब मैं चलिए एक बार कोड को रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरा यहाँ पे डेटा अपडेट होने वाला है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरा डेटा अपडेट हो चुका है कि स्टेप टू में यहाँ पर मेरा अप्रूव था तो इसने इस स्टेप को स्किप कर दिया,
इसने यहाँ पे डेटा अपडेट कर दिया, यानी कि इसका अगर आप टाइम स्टैम्प देखेंगे तो 31 जुलाई 10:19 का टाइमिंग था कंप्लीट होने का, और इसने 30 मिनट इसमें प्लस करके यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि इस वाले स्टेप का यानी कि स्टेप 4 का जो टाइमिंग है वो 30 मिनट का था, टेड जो डिफाइन किया हमने 30 मिनट का डिफाइन कर दिया है, तो इसने यहाँ पे अपडेट कर दिया। लेकिन सेकंड ये आप देखेंगे डिटेल्स, तो इसमें नॉट अप्रूव था इस वाले ऑर्डर में, तो इसने क्या किया कि इसमें कॉलम AB5 का यानी कि इसमें 72 घंटे ऐड करके यहाँ पर टेड ऐड कर दिया। दिस जैसे आप इसमें देखेंगे 25 में अगर नॉट अप्रूव है तो 27 में मेरा डेटा पेस्ट करेगा, AB5 का टेट मेरा प्लस कर लेगा। दिस FMS में आ चुका हूं तो AB5 का मेरा टेट प्लस करके यहां पे दिखा दिया, यानी कि 31 जुलाई का हमारा एक्चुअल कंप्लीट हुआ था 10:19:47 पे, एंड इसने 3 अगस्त 10:19:47 का यहां पे टाइम अपडेट कर दिया। तो आप सब देख पा रहे हैं सर कि कितना यूजफुल ये टूल है हमने बनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही आपके FMS में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा डेटा आपका कोड के थ्रू ही आने वाला है, और आपका ये जो FMS है ये फास्ट से सर सुपर फास्ट हो जाने वाला है, एक भी फॉर्मूले की इसमें लगाने की जरूरत नहीं है सर। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट कीजिएगा, एंड हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर।